हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपना पहला वीडियो लेक्चर जो कि चार्जेस और चार्ज की प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने बनाया था, आप सबने देखा भी होगा और नोट्स भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा उसका। अगर आपको याद हो, आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, तो कल के टॉपिक को हमने एंड किया था चार्ज की उस प्रॉपर्टी के साथ जो ये कह रही थी कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड। मैंने कल मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को एक छोटे क्लास की कहानी भी सुनाई थी कि हम स्केल को रब करते थे तो छोटे छोटे पीस के पेपर जो होगा पेपर के पीसेस थे वो आके अट्रैक्ट हो जाया करते थे हमारे स्केल के पास। और मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में मैं तुमको उस पर्टिकुलर साइंस का भी रीजन बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने कहा था जहां से टॉपिक हमको शुरू करना है वहीं से दोबारा उठाता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, या फिर हम लोग चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर कैसे सकते हैं। तो देखो बेटा, मेथड्स की कमी नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज पर ट्रांसफर करते हैं, पर इस चैप्टर के लिए हम सिर्फ उनमें से पांच ही मेथड के बारे में जानेंगे, और सिर्फ तीन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जानना पांच के बारे में है, पर इस चैप्टर के लिए हमें सिर्फ तीन अच्छे मेथड्स के ऊपर ही फोकस करना है। तो उनमें से दो स्पेशल मेथड्स या दो अच्छे मेथड्स जो है जिसकी वजह से लोग चार्ज पर ट्रांसफर कर पाते हैं वो आपके सामने समय बोर्ड पे है। एक एक करके मैं आपको दोनों समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। मैंने लिखा पहला मेथड, जिस मेथड से हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं वो है बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। बहुत ही ज्यादा आसान मेथड है बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। हम जानते हैं जब भी हम कोई दो अलग अलग बॉडीज को ले लें, जैसे मान लो मैंने दो अपने मार्कर्स को ले लिया अलग अलग, जब मैं इन मार्कर्स को एक दूसरे के ऊपर रब कर रहा होऊंगा, जिस दौरान मैं मार्कर्स को एक दूसरे के ऊपर रब कर रहा हूं, हो सकता है इन मार्कर्स में से कोई एक मार्कर का इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस को छोड़े और दूसरे वाले मार्कर में चला जाए। फिर से ध्यान से समझो, मैंने कहा कि जब भी हम लोग दो अलग अलग बॉडीज को आपस में रब कर रहे होते हैं तो किसी एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में आ जाता है। जब भी मैं बोलूंगा चार्ज ट्रांसफर होके, मेरे कहने का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके। तो मान लो मैंने दो अलग अलग बॉडी से और इनको रब करना शुरू किया, तो रब करने के दौरान एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब हम लोग ने कल जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसके अकॉर्डिंग जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या बन जाएगी बच्चों, हाँ पॉजिटिवली चार्ज। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो बन जाएगी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी में ये इलेक्ट्रॉन गया है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। याद रखना बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स पहली बॉडी लूज करेगी, पॉइंट लिखना ये वाला आपको, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी गेन करेगी। मतलब पहली बॉडी जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, उतनी ही दूसरी बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाया करेगी। मैंने तुमको बताने के लिए एक कॉमन एग्जांपल भी लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा हो और मेरे पास एक ग्लास की रॉड हो। अगर मैं ग्लास की रॉड को बहुत देर तक सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करूंगा तो ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के सिल्क क्लोथ में चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिल्क है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ग्लास की जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जरा बताओ, ग्लास की रॉड कैसी चार्ज हो गई होगी? हाँ, ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी होगी और सिल्क हमारा कैसा हो गया होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुका होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कि ये कहता है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड और अगेंस्ट ईच अदर देन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी गेट ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। द फर्स्ट बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द सेकंड बॉडी विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपका सबसे पहला मेथड जिसकी वजह से हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं वो होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो हमारा दूसरा मेथड होगा बच्चों वो क्या होने वाला है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब पहले आप ध्यान से समझो, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है कि मान लो मैं कोई काम करने में बिजी हूँ, जैसे आजकल मान लो लॉकडाउन चल रहा है, हम भी अपने घर में हैं, तो हम भी जो मन करता है खाना बनाने में बिजी रहते हैं। मैं किचन में हूँ, मान लो मैं कुछ खाना वाना बना रहा हूँ, और मान लो मेरे साथ जो मेरे सर लोग रहते हैं, साथ में बाकी फ्रेंड्स रहते हैं, वो मान लीजिए गाना चला के रखे हुए हैं, तो उनके गाना चल रहे हैं उनके मोबाइल में, और समवेयर कहीं ना कहीं से मैं खाना बनाने पे कॉन्सेंट्रेट करता रहता हूँ, बट मैं फील करता हूँ कि जो गाना उनके मोबाइल में चल रहा था मैं वो गाना गुनगुना रहा था। वो गाना मैं क्या करता था बच्चों, गुनगुना रहा था। मतलब क्या, किसी ने आके मुझे मारा, किसी ने आके मुझसे कहा कि नहीं नहीं गाना गा, नहीं, ये गाना जो वहां दूर बज रहा था खुद ब खुद मेरे अंदर इंड्यूस हुआ और मैंने वही गाना
गाना शुरू किया। मतलब जब भी हम इंडक्शन की बात करेंगे, हम फिजिकल कांटेक्ट की बात नहीं करते हैं। हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आ रही थी, अब जो सेकंड मेथड है इसमें हम बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए किसी एक बॉडी में चार्ज ले आया करेंगे। और ये कैसे होगा उसके लिए मैंने आपको चार बहुत ही आसान स्टेप्स में चीजों को समझाने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखो एक एक स्टेप को, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। स्टेप वन में मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हाँ, जिसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। और मेरे पास एक और बॉडी है जो कि पहले से चार्ज्ड है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने क्या किया है, स्टेप वन में एक न्यूट्रल बॉडी के जस्ट पास लाया है। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने न्यूट्रल बॉडी के पास लाया। जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास आएगी तो फिर से बेटा प्रॉपर्टी याद करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस क्या क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो इसी तरीके से स्टेप टू में मैंने यहां समझाया आपको कि इस न्यूट्रल बॉडी में जो भी पॉजिटिव चार्ज थे वो पहली बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी उसकी वजह से दूर भागने की कोशिश किए होंगे, और जो इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज था वो इस साइड हमारे आगे इकट्ठा हो गया होगा। मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी, और सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस तरफ आके अब इकट्ठा हो चुका है। सेकेंड स्टेप में मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने न्यूट्रल बॉडी के पास लाया तो कुछ ही समय के अंदर इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर की तरफ जाके एक्यूमुलेट कर गए होंगे या इकट्ठा हो गए होंगे। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझो आप। थर्ड स्टेप में मेरी इस न्यूट्रल बॉडी को मैंने अर्थ किया है। मैंने क्या किया बच्चों, अर्थ किया है। कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। कोई भी एक मेटल या फिर कोई एक मेटलिक वायर का यूज करके आप उस बॉडी बॉडी को ग्राउंड के कांटेक्ट में लगाते हो। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बुक में शायद ऐसा लिखा होगा कि ग्राउंड में लाते ही ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके सारे के सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। हाँ, बुक ने जो बात बोली वो गलत नहीं है, पर मैं आपको और थोड़ा बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। जब मैंने अभी तक आपसे ये बात बोली है कि कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होता है, हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली जो हमारी मदर अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हो हमेशा से पॉजिटिव से प्यार रहा है उनका, तो अपने प्यार के लिए वो भागने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही आपने इस न्यूट्रल बॉडी को अर्थ किया, अर्थ में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को दिखा कि हाँ यार यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, मुझे मेरा जीवन साथी मिल रहा है, और जीवन साथी मिल रहा है तो मैं तो उसके पास जाके रहूंगी, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, इस मेटलिक वायर का यूज करके ग्राउंड से आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के पास आके जुड़ते जाएंगे। जब भी एक नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से आके जुड़ेगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 बैलेंस हो जाएगा ग्राउंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, और कुछ ही पल के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ही पल के अंदर हम यहां से इस अर्थिंग को ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हमारी अर्थिंग ब्रेक होगी, अब तक काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने इनको क्या कर दिया है, इन सभी को क्या कर दिया है बच्चों, न्यूट्रल कर दिया होगा। और जैसे हम इसको हटाएंगे तो अब इस बॉडी में क्या मौजूद है बच्चों, इस तरफ तो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उधर सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है। मैं जैसे ही अपने पहले से जो मेरे पास चार्ज्ड बॉडी थी, पहले से मेरे पास जो चार्ज बॉडी थी, अब फिर से इसको मैं दूर लेके चला जाऊंगा। आप देखो फोर्थ स्टेप में मैंने वो बॉडी नहीं दिखाई है, तो चार्ज बॉडी अब जैसे ही दूर जाएगी, ये बचा हुआ नेगेटिव चार्ज इसमें अपने आपको बिल्कुल इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और इस तरीके से जो न्यूट्रल बॉडी मेरे पास थी वो फोर्थ स्टेप के खत्म होते होते कैसी बन चुकी है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान से देखो बेटा, ये जो चार्ज्ड बॉडी थी इन चारों ही स्टेप्स में कभी भी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में या रब करने के काम नहीं आई है। मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में। फिजिकल कॉन्टेक्ट के बिना ही हमने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है, और इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंड्यूस करते हैं चार्ज को, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बेटा चार्ज को इंड्यूस करते हैं। AIEEE में शायद 2004 या 2005 में एक बार पूछा हुआ सवाल है, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझना। जो बॉडी मैंने इंड्यूस करने के लिए लाई थी, जो पहले से चार्ज बॉडी थी, जरा उसका नेचर देखो बेटा आप लोग कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इन द एंड ऑफ स्टेप फोर जो चार्ज मुझे मेरी न्यूट्रल बॉडी में मिला वो कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉइंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि इंडक्शन के मेथड से
एक बॉडी दूसरी बॉडी में हमेशा ऑपोजिट नेचर का ही चार्ज इंड्यूस कर सकती है, कभी भी सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस नहीं होने वाला है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन नहीं कर सकता, मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन नहीं कर सकता। पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करती होगी। आप लोग अपना वीडियो पॉज करो, बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है उसे नोट करो, फिर से कल की तरह आपको आज याद दिला दूं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लिंक में आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें पूरे प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन आप उन नोट्स को कॉपी नहीं करना, आप उन नोट्स को देखो और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा ये बात, आपके नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपका कोई साथी, आपके पेरेंट्स, आपका टीचर, कोई नहीं, आपके नोट्स ही आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड की तरह काम आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो पॉज करके आप लोग सारी चीजों को बहुत ही ढंग से एक बार नोट कर लो। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने अभी दो मेथड सीख लिए थे जिससे हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि हमको तीन मेथड जो बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे और दो मेथड के बारे में बस जानना होगा हमें कि आखिर किस तरीके से उन मेथड्स में चार्ज का ट्रांसफर होता होगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे शायद इन दोनों मेथड्स पे भी हम जाएंगे जब इसके बारे में भी हम डीप में पढ़ रहे होंगे, पर अभी हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए जो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग और तीसरा आएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो कि मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी उससे पहले दो और बहुत ही अच्छे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो आपके लिए जो थर्ड मेथड होगा आपका ट्रांसफर ऑफ चार्ज का, वो होगा चार्जिंग बाय फोटो एमिशन। फोटो एमिशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं दो तीन दिन से हूँ, मेरे को खाना वाना कुछ ना मिल रहा हो, मैं एकदम आराम से बैठा हूँ, भूखा हूँ, एनर्जी नहीं है, तो चुपचाप पड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो तो शायद मैं भी अपने पूरे दिनचर्या को बहुत ही ढंग तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ। मतलब मेरे को जो भी काम दिए जा रहे हैं वो काम भी कर लूंगा और बहुत फ्रेश भी फील करता होगा। कुछ इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर लाइट्स यानी कि फोटॉन्स को गिराते हैं, तो फोटोन जब आके किसी मटेरियल से टकराता है तो वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस मटेरियल को देता है, पूरी एनर्जी देता है। कभी कभी कुछ एनर्जी जो है मान लो लॉस भी हो जाती होगी, तो फोटोन अपनी एनर्जी को उस मटेरियल को देगा। अब उस मटेरियल को जैसे ही एनर्जी मिली, मतलब कि उस मटेरियल में मौजूद एटम्स को एनर्जी मिली, तो हो सकता है उस मेटल, उस एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलती होगी, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाता होगा, उसने देखा होगा कि हाँ यार तो मैं एनर्जेटिक हो चुका हूं, और वो मेटल के प्लेट के सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता होगा। मतलब उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है, अभी इलेक्ट्रॉन को जहां भी जाना है उस एनर्जी के साथ, किसी और प्लेट के पास जाना है, या हम आगे जो भी एक्सपेरिमेंट अपना करना चाहते हैं वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये था कि जब हम किसी प्लेट के ऊपर बाहर से फोटॉन्स को गिराते हैं, तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके मेटल की प्लेट को छोड़ देते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग उस मेटल प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं। फिर से वही बात है, जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास एक ना एक चार्ज भी आ ही चुका होगा। तो आपका थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय फोटो एमिशन, जिसमें हम लोग फोटॉन्स की मदद से यानी कि लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को किसी प्लेट से निकाल देते हैं। आपके लिए जो फोर्थ मेथड है वो है चार्जिंग बाय थर्मायनिक एमिशन। थर्मायनिक एमिशन इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान होता है बच्चों। हम किसी कॉइल को ले लेंगे, किसी ऐसे मेटल को जो बहुत जल्दी हीट जाता होगा और बहुत ज्यादा हीट हो जाता होगा, उस मेटल की कॉइल के साथ जब हम लोग सर्किट अपना कंप्लीट करते हैं तो कॉइल में हीटिंग इफेक्ट आने की वजह से फिर से एक एनर्जी डेवलप होती है, और उस एनर्जी को लेके बिल्कुल पिछले मेथड की जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस कॉइल को छोड़ के बाहर निकल जाते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉइल को छोड़ देते हैं और कॉइल से निकल जाते हैं। इस तरीके से हमने इस सर्फेस से भी यानी कि इस कॉइल से भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज को ट्रांसफर कर दिया किसी और बॉडी के लिए। जो फिफ्थ और लास्ट मेथड है आपके लिए वो होगा आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में नहीं पार्ट टू में पूरा कम से कम 2 से 3 लेक्चर कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग निकालने वाले हैं। फिलहाल मैं समझाता हूँ इसमें, बिल्कुल अभी तो 2 लाइन या 4 लाइन के बारे में ही बात करनी है सिंपल सी, कि आखिर क्या होता है कंडक्शन में। हम दो अलग अलग मटेरियल्स यानी मेटल्स ले लेते हैं, ए और बी। याद रखना ए और बी दोनों कंडक्टिंग नेचर के होने चाहिए, तभी हमारा मेथड पॉसिबल हो पाएगा। ए और बी मटेरियल को हम किसी कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, तो अपने आप किसी एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मटेरियल में चले जाते होंगे।
अब ए से बी में जाते हैं कि बी से ए में जाते हैं, इन सबको लेके बिल्कुल भी सवाल मन में मत लाओ। हाँ, ये सारी ही चीजें बहुत ध्यान से क्लियर करवा दूंगा तुम्हारी जब हम लोग कंडक्टर के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ाई कर रहे होंगे। जो तुम्हें याद रखनी है अभी बात, वो बस इतनी सी है कि हम लोग दो कंडक्टर्स को एक तीसरी कंडक्टिंग मटेरियल की मदद से कनेक्ट करके एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का फ्लो कराते हैं। तो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि चार्ज के ट्रांसफर करने के हमारे पास पांच मेथड होते हैं। पहला था बाय फ्रिक्शन और रबिंग, दूसरा था बाय इंडक्शन, तीसरा था बाय फोटो एमिशन, चौथा है बाय थर्मायनिक एमिशन और लास्ट होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये पांच मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। याद रखो बेटा, ये पांच मेथड्स हमने पढ़े हैं। मेथड्स इससे और बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हमें और बाकी मेथड्स के बारे में बिल्कुल भी अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हो चाहो तो, और सारी चीजों को फिर से नोट कर लो। और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी नीचे, उसमें आपको सारी चीजें पहले से लिखी हुई मिल जाएंगी। तो ध्यान से आप लोग अपनी वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर लो। तो बच्चों, जब हम लोगों ने चार्ज के बारे में सारी बातें सीख ली हैं, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज सीख ली हैं, हमने ये भी जान लिया है कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करते होंगे, तो मुझे लगता है इस चैप्टर में अब हम लोग पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब शायद मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो बिना एनर्जी के समझ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सब भी अगर झुक के या लेट के पढ़ रहे हो तो उठो, अपनी चेयर पे बैठो और बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। एनर्जी पूरी होनी चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ, जिसके लिए हम लोग अभी तक सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कूलम एक साइंटिस्ट थे जैसे कि न्यूटन भी थे। न्यूटन ने बहुत पहले ग्रेविटेशन का एक लॉ निकाला था। उन्होंने कहा था कि दो मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, एक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस फोर्स को उन्होंने क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो फोर्स दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था, और वो फोर्स यूनिवर्सल होता था। क्यों? क्योंकि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आप अर्थ पे निकाल लो या मून पे जाके निकाल लो या किसी और प्लेनेट पे जाके निकाल लो, कोई खास फर्क पड़ने वाला वहां पर नहीं था। लेकिन न्यूटन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने के बाद, उनसे बहुत ज्यादा समय के बाद, फिर से एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कूलम, और उन्होंने चार्जेस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जिस कंक्लूजन के बेसिस पे एक लॉ बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ। ध्यान से समझना, उन्होंने क्या क्या नोट किया ध्यान से समझो। उन्होंने कहा कि मान लो मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, एक ए और एक बी, ए और बी दो चार्ज बॉडी है, तो हमेशा दो चार्जेस भी बिल्कुल मास की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे बेटा, फोर्स एग्जर्ट करेंगे। क्या एग्जर्ट करेंगे बेटा? फोर्स एग्जर्ट करेंगे। इसको हम लोग कूलम फोर्स नाम देंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बुलाया करेंगे। दो चार्जेस बिल्कुल दो मास की तरह एक दूसरे पर क्या करते हैं बेटा, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक एक करके बहुत डिटेल में इनके बारे में चलते हैं और फिर लॉ क्या था इस लॉ को भी ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? जो दो बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम उन दोनों बॉडीज को किसी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, ए और बी को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, तो इस लाइन के अलोंग ही लग रहा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर वो कूलम फोर्स। जब भी कोई फोर्स दो बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लग रहा होता है, वो फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कूलम फोर्स के बारे में जो हमें समझना है वो है कि दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये एक सेंट्रल फोर्स होगा, मतलब दो चार्जेस को लाइन, जिस लाइन से हम ज्वाइन करेंगे उस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लग रहा होगा। दूसरा, सेकेंड पॉइंट कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मान लो, जैसे इसको समझने के लिए मैं केस लेता हूं कि ए मेरी मान लो पॉजिटिव बॉडी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और बी मान लो मेरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये डायरेक्शन होगी जिसमें बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया होगा, और सिमिलरली ए जो कि पॉजिटिव है वो बी यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो शायद ये डायरेक्शन होगी जिसमें ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। पॉइंट को क्लियर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इज सेम। मान लो ये जो फोर्स है ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये जो फोर्स है ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए,
तो ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हमेशा मॉड ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के बराबर होता होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस इज सेम, हाँ लेकिन पॉइंट आगे ये भी क्लियर करता है द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसी लाइन को तो मैं लिखूंगा एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ वेक्टर बी ए। मतलब ए अगर बी पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो पहला पॉइंट कहता है कि दिस फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब कि जिन दो चार्जेस के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिनके बीच के फोर्स के बारे में हम समझना चाहते हैं उनको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन के अलोंग ही लगेगा ये फोर्स, उस लाइन के अलोंग ही लगेगा ये फोर्स। और दूसरा पॉइंट हमें ये क्लियर करता है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के दोनों ही चार्ज पे इक्वल लग रहा होगा पर डायरेक्शन दोनों ही चार्ज पे उन फोर्स की ऑपोजिट होती होंगी एक दूसरे से। मतलब अगर ए ने बी पे लेफ्ट की तरफ लगाया है तो बी ए पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इक्वल लिखा है और वेक्टर के टर्म्स में मैंने एक नेगेटिव साइन लगाया है, मतलब एफ ए बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ एफ बी ए। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। मैं तुम्हें याद दिला देता हूं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के लिए तीन कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे लगता है, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया है बदले में बी ने ए पे फोर्स लगाया है, पहली प्रॉपर्टी। ए ने बी पे फोर्स लगाया है बदले में बी ने ए पे भी फोर्स लगाया है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी, ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया है बी ने ए पे भी उतना ही फोर्स लगाया है, इक्वल फोर्सेस है मैग्नीट्यूड वाइज और अलग अलग बॉडी पे है। तो जब मैं तुमको बोलता हूं कि दो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम कर रहे हैं, दो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम कर रहे हैं तो उन्हें तीन प्रॉपर्टीज को वहां पे सेटिस्फाई करना होगा। पहला, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ए बी पे एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बी ए पे एक्सर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, यहाँ पे भी यही चीज है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन इन दोनों से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तीसरी प्रॉपर्टी एक्शन रिएक्शन कहलाने के लिए, जो कि ये कहती है कि दोनों ही फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। नेचर क्या होता है बेटा, देखो फोर्सेस के बहुत सारे नेचर होते हैं हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं और स्प्रिंग फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, नॉन, बहुत सारे तरीके से हम लोग फोर्स को पढ़ते हैं, है ना। तो नेचर सेम होने का मतलब है कि ए बी पे जिस नेचर का फोर्स लगा रहा हो बी ए पे भी उस ही नेचर का फोर्स लगाएगा तो ही ये फोर्सेस हमारे एक्शन रिएक्शन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्योंकि मैं देख सकता हूं साफ साफ कि ए ने बी पे जो फोर्स लगाया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का और बी ने ए पे जो फोर्स लगाया है वो भी कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का। मतलब नेचर भी फोर्स का कैसा हो रहा है बच्चों, सेम हो रहा है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी, पहला दो अलग अलग बॉडीज पे लगना चाहिए फोर्स, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है। और तीसरा ये कि दोनों ही फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। ये तीनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि कूलम फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते थे। क्यों बोलते थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका रीजन था कि वो पर्टिकुलर दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स चाहे हम अर्थ पे मेजर करें चाहे हम किसी और प्लेनेट पे जाके मेजर करें बदलने वाला नहीं होता था, वो फोर्स बदलता नहीं था, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लग रहा होता है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आखिर वो दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। सपोज एक फ्री जगह पे एक वैक्यूम जैसे स्पेस में है तो फोर्स कुछ और आएगा, और अगर मैं दोनों ही चार्जेस को केरोसिन ऑयल के अंदर या किसी और मीडियम में ले जाके जब एक दूसरे के ऊपर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स कुछ और हो जाता होगा। इसलिए ये वाला फोर्स यानी कि कूलम फोर्स यूनिवर्सल फोर्स कभी भी कहलाने वाला नहीं है। तो कूलम लॉ के बारे में मैं तुमको बताता हूँ डिटेल में, पर कूलम लॉ से पहले मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान से क्लियर किए हैं कि कूलम ने हमें ये बताया था कि दो चार्जेस भी हमेशा एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करते हैं बच्चों, फोर्स एग्जर्ट करते हैं। फोर्स कैसा होता है बेटा, सेंट्रल नेचर का होता है। फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे सेम होता है पर डायरेक्शन वाइज दोनों पे ऑपोजिट होता है। फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहा होता है और फोर्स यूनिवर्सल नहीं है। तो हम लोग को क्या चर्चा करना है कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और कैसे हमें इनके क्वेश्चंस के साथ डील करना होगा।
तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में काफी सारे पॉइंट्स जान लिए थे और अब हम लोग कूलम्स लॉ को जानने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कूलम ने ये बताया कि जो भी दो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज है हमारे पास जो कि कुछ r डिस्टेंस के सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों ही चार्जेस के बीच एक फोर्स लगेगा। वो एट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि दो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर से रिपीट कर दो, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ ही साथ फिर से इन दोनों ही चार्ज के बीच जो सेपरेशन है, जो मैं स्मॉल आर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूंगा और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह अगर एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है जो कि पूरी तरीके से उस मीडियम पे डिपेंड करेगा जिनमें ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद कर लेनी है। सबसे पहली बात, के एक कॉन्स्टेंट है किसी गिवन मीडियम के लिए। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, फ्री स्पेस का मतलब होता है बेटा ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम मौजूद होती है। तो फ्री स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्री स्पेस में के की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught के बराबर, 1/4 pi epsilon naught के बराबर। और इसे कैलकुलेट किया गया है तो आया है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा याद रखो, बार बार रिपीट करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीट्यूड तुम्हें याद रखना फ्री स्पेस के लिए। इसीलिए शायद मैंने बोर्ड पे भी तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख रखा है, मैंने और किसी मीडियम के बारे में बात नहीं की, पर हाँ फ्री स्पेस के लिए हमें इन वैल्यूज को याद रखना ही होगा। तो के बारे में मैंने आपको बताया कि फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, वो 1/4 pi epsilon naught जो कि एक्जैक्टली मैग्नीट्यूड में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट ये एक नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस किया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, चलो इसके बारे में एक दो मिनट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। अभी परमिटिविटी क्या होती है थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है, तो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है किसी ना किसी मीडियम के अंदर। चार्ज एक्चुअली, थोड़ा सा आप चैप्टर में आगे जाओगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, चार्ज एक्चुअली फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये फील्ड जो है, इस फील्ड की वजह से ही दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता होगा। ये जो फील्ड है, ये फील्ड कितनी आराम से दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी वो डिसाइड करता है मीडियम जिसमें कि ये दोनों चार्जेस रखे हुए थे। मतलब हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन देता है कि कितनी स्मूथली वो अपने आप से जाने देगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जो परमिशन मिल रही है किसी मीडियम के द्वारा एक चार्ज के फील्ड को जाने की, वो परमिशन ही क्या कहलाएगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाएगी बेटा वो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ परमिटिविटी लिखूंगा या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम लिखूंगा तो वो किसी और मीडियम का हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जब भी नीचे जीरो जैसा एक सिंबल लगता है, मतलब हम लोग हमेशा फ्री स्पेस की बात कर रहे होंगे। अगर मैं फ्री स्पेस के अलावा किसी और जगह की बात कर रहा होता तो मैं सिंबल सिर्फ एप्सिलॉन बना रहा होता, नीचे नॉट या फिर जीरो नहीं शो कर रहा होता। फ्री स्पेस के लिए इस परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 8.854 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बड़े याद रखना, इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विश्वास करो मेरा, 2019 यानी कि अभी अभी कुछ समय पहले ही जनवरी में 2019 के जेईई मेंस के पेपर जो हुए थे हमारे पास, उसमें कम से कम 3 सवाल सिर्फ इसके डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बने हुए थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट करना। मैं नहीं करके दूंगा क्योंकि कुछ काम तुम खुद कर दो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको एक होमवर्क मिल चुका है, अभी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है आपको और बहुत ही अच्छे से बेटा उसको याद करना, बहुत ज्यादा अच्छे से उसको याद रखना होगा। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कूलम ने जो लॉ दिया वो ये कहता था कि द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कुछ ये निकल के आता होगा हमारे पास फाइनली कूलम लॉ का फॉर्मूला। याद रखो बेटा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैं चार्जेस को उनके साइन के साथ यहाँ पे फुट नहीं करूंगा। सपोज ये चार्ज अगर, मान लो ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता और ये चार्ज अगर नेगेटिव होता, मान लो ये प्लस का 2 कूलम है, ये माइनस का 4 है, तो मैं जब फॉर्मूले में यहाँ पुट करूंगा तो मैं 2 और -4 पुट नहीं करूंगा, मैं 2 और 4 ही पुट करूंगा। मुझे चार्ज के साइन से अभी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं डायरेक्शन के साथ डील करूंगा, क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम सब अच्छे से जानते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो मेरे लिए शायद चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनफैक्ट चार्ज के साइन को इंपॉर्टेंट करने की जगह शायद मैं एक नया तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन और ज्यादा आसान लगेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बातों को आपको समझाता चलूंगा। उससे पहले एक और पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना होगा, वो क्या है आप लोग ध्यान से समझो। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, मान लो मैं कहता हूं मेरे पास दो चार्जेस हैं ए और बी। ए बी के ऊपर मान लो ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा था, बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा था, क्योंकि दोनों चार्जेस अलग अलग साइन के हैं, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का था, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी जिंदगी बहुत ही मजे में चल रही थी, बहुत ही इंजॉयबल थी इनकी जिंदगी। तब तक मान लो अचानक से कोई तीसरा चार्ज सी भी आ गया, तब तक अचानक से मान लो कोई तीसरा चार्ज सी भी आ गया, तो ए बी पे अभी मान लो जो फोर्स लगा रहा था वो एफ था, बी ए पे जो फोर्स लगा रहा था उसका मैग्नीट्यूड भी एफ था, और अब सी भी वहां पे आ गया, क्या होगा इस एफ का, क्या होगा इस एफ का? बेटा मेरी बात ध्यान से समझना। आम जिंदगी में, हम इंसानों की जिंदगी में, जब दो लोग की जिंदगी बहुत सुखद चल रही होती है और कोई तीसरा इंसान बीच में आके दखल करता है, तो इस सुखद जिंदगी पे भी उसका असर पड़ता है, इस सुखद जिंदगी पे भी उसका असर पड़ता है। पर चार्जेस के केस में ऐसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि तीसरे चार्ज के आने से ए और बी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे, स्टेटमेंट क्लियर समझना मैं जो बोलना चाहता हूं, तीसरे चार्ज के आने से ए और बी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे उसमें कोई छोटा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा चार्ज अगर आ गया है तो भी ए बी पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा अभी जितना कि पहले लगा रहा था, बी ए पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना कि पहले लगा रहा था। पर अगर मैं अब नेट फोर्स ऑन ए की बात करूं, नेट फोर्स का मतलब देखो, अब ए पे दो बॉडीज फोर्स लगा रही हैं, बी भी और सी भी, तो ए पे लगने वाला नेट फोर्स बदल गया होगा। क्या बदल गया होगा बच्चों? नेट फोर्स बदल गया होगा, पर ए पर बी के द्वारा लगने वाला फोर्स अभी बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस का होना या ना होना उन दोनों फोर्सेस, उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉ क्या था, मैं तुमको फिर से रिपीट कर देता हूं। लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स का जो फॉर्मूला है सिंपल सा, वो है K Q1 Q2 / R2। यहाँ पे K कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्री स्पेस की बात करें तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के तरीके से समझा, और परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन देना किसी मीडियम का कि कितनी स्मूथली उसमें से फील्ड को वो पास करने देगा। फ्री स्पेस की बात करें तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है 8.854 × 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन मैंने आपको निकालने के लिए एक होमवर्क दिया है, जरूर निकालना है आपको और उसे याद रखना है। अब जो मैंने एक बात आपको और बताई वो ये थी कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला कूलम फोर्स किसी तीसरे चार्ज के आने से बदलता नहीं है, पर हाँ तीसरे चार्ज के आने से जो नेट फोर्स था किसी भी एक चार्ज पे उसमें जरूर फर्क आ जाता होगा। तो चीजों को अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और सारी चीजें अच्छे से लिख लो। तो चलो बच्चों, कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू आज हम लोग कूलम लॉ को या फिर कूलम लॉ से जो फोर्स निकल के आया उसको यूज करने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से देखो, मैंने एक बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों को दे रखा है कि द टू चार्जेस आर एक्सर्टिंग एफ फोर्स ऑन ईच अदर
If now the distance between charges is doubled somehow, then find new force acting between them. हम जो कह रहे हैं कि दो charges अभी एक दूसरे पर जो force exert कर रहे हैं वो है F के बराबर, अगर इनके बीच की distance किसी तरीके से double कर दी जाए तो बताओ अब इन दोनों के बीच कितना force लग रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले दोनों charges के बीच जो distance थी, मान लेता हूँ मैं D के बराबर थी और जो force लग रहा है वो F के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि F is actually K times of Q1 Q2 by d square. F is equal to k times of q1 q2 by d square. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड, चार्ज के बीच के डिस्टेंस को डबल किया गया है, तो जो न्यू डिस्टेंस आ चुकी है वो कितनी हो चुकी है, d डैश हो चुकी है 2 टाइम्स ऑफ d के बराबर। तो जो फोर्स है वो भी बदल गया होगा, वो बन गया होगा मान लेते हैं F डैश, क्योंकि चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो F डैश निकल के आएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई D डैश का स्क्वायर। D डैश की वैल्यू 2D के बराबर है, तो ये F डैश निकल के आया होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई 2D का होल स्क्वायर। ये हो गया होगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई 4D स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर ही तो हमारा एफ था, तो अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को एफ से रिप्लेस कर दूं तो एफ डैश निकल के आया होगा एफ बाई फोर, मतलब डिस्टेंस के डबल करने से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो 1/4 हो चुका होगा। क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा, पॉज करो और आराम से नोट करो इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास तीन चार्जेस हैं जो कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं और साइन के भी हैं, क्यू क्यू और क्यू। इन तीनों को हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एजेस पे यानी कि कॉर्नर पे रख रखा है, जिसके हर एक साइड ए लेंथ के बराबर है, स्मॉल ए लेंथ के बराबर है। क्वेश्चन कहता है फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एट ए। ए पे रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चों, बस तरीका देखते हैं चलो मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो हो सकता है कोई और टीचर किसी और तरीके से सिखाता होगा, मेरा तरीका हो सकता है थोड़ा सा अलग होता हो, लेकिन हमें जो भी तरीका हम फॉलो करेंगे हम उसमें परफेक्शन आनी चाहिए उसमें, तभी हमारे लिए चीजें बहुत आसान होंगी। मैं क्या करता हूँ, मुझे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ करता है। साथ साथ मुझे एक प्रॉपर्टी भी पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे। और तो और मुझे ये भी पता है कि कूलम फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। मैं इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को यूज करके सबसे पहला काम करता हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स सबसे पहले मैं डायरेक्शन डिसाइड कर लेता हूँ। उससे क्या फायदा होगा सर, उससे फायदा होगा एक बार अगर मैंने डायरेक्शन पे काम कर लिया तो अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम करना होगा, और मैग्नीट्यूड पे काम करने के लिए मैंने अभी तुमको बताया था जब भी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हमें चार्ज के साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार अगर मैं डायरेक्शन पहले से डिसाइड कर लूं तो मुझे फोर्स की साइन मतलब चार्जेस के साइन के ऊपर ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो काम कैसे करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझो। ए पे फोर्स निकालना है तो ए पे बी भी फोर्स लगाएगा और ए पे सी भी फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखो, ए पे बी जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि बी भी पॉजिटिव था ए भी पॉजिटिव था और ये वो लाइन है जो कि ए और बी आपस में दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बी ए पे शायद दूर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपल्शन वाला फोर्स लगाएगा, रिपल्शन वाला फोर्स लगाएगा। इसको लिखता हूँ एफ ए बी, कोई समस्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक उस तरीके से ए भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव था, तो सी वाला चार्ज ए पे जो फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव होगा और कुछ इस तरीके का होता होगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो एफ एफ ए बी होगा के क्यू स्क्वायर मतलब क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, और एफ ए सी भी होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर। तो एफ ए बी और एफ ए सी मुझे नजर आ रहे हैं, शायद दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो मैं एक काम करता हूँ इसको एफ के बराबर मान लेता हूँ। अभी मेरा आंसर नहीं निकला है, अभी तो मैंने बस ये पता किया है कि ए पे बी ने क्या फोर्स लगाया होगा और ए पे सी ने क्या फोर्स लगाया होगा। सवाल ये नहीं था ए पे बी और ए पे सी, सवाल है नेट फोर्स बताना है। तो
चीजें बहुत आसान हो चुकी है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल हमें पता है कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये भी कितना होगा, 60 होगा। और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। तो देखो सवाल ये कूलम लॉ का तो है ही नहीं, कूलम लॉ का तो बस एक फॉर्मूला है जहां पे मेरा सवाल कूलम लॉ के कूलम लॉ का जो काम था यही खत्म हो गया। अब तो सारा का सारा खेल वेक्टर का है। ध्यान से देखो, ए पे रखे हुए चार्ज पे दो वेक्टर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। ये भी एफ मैग्नीट्यूड का है, ये भी एफ मैग्नीट्यूड का है। दोनों के बीच एंगल 60 है। क्या तुम्हें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना नहीं आता? आता है सर, बहुत तरीकों से आता है। रिजोल्व करके भी निकालना आता है और डायरेक्ट दो वेक्टर का फॉर्मूला भी मुझे पता है। तो अगर दोनों वेक्टर एफ मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों के बीच एंगल 60 है, तो जो रिजल्टेंट एफ डैश निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 के बराबर है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, f स्क्वायर। ये आएगा f अंडर रूट 3 के बराबर। तो ये है फाइनल आंसर कि आखिर कितना फोर्स a पे लगा f अंडर रूट 3 के बराबर, जहां f कितना है, तो f है q स्क्वायर / स्क्वायर के बराबर। यह है फोर्स जो कि ए पर मौजूद चार्ज पर लग रहा है बी और सी के वजह से। अभी तो ये मैग्नीट्यूड है, अगर डायरेक्शन में पूछ लेता सवाल तो सर बहुत आसान था हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे मैं क्या करता, मैं मान लेता कि भाई चलो ये थे वो दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जिनका मुझे रिजल्टेंट निकालना था। मैं एक काम करता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं इसको x और y एक्सिस के टर्म्स में बातें करूं तो मैं जानता हूं कि ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल, ये वेक्टर f है और ये वेक्टर भी f है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि कितना होगा, f cos 30। एक इधर आएगा f sin 30। ऐसे इस वेक्टर का भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा f cos 30 और एक इधर आएगा f sin 30। देखो ध्यान से बेटा, ये f sin 30 और वो f sin 30 एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और शायद ऊपर वाले दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जा रहे होंगे। तो जो नेट आंसर आया है वो है ऊपर की तरफ 2f cos 30। क्या बच्चों तुम लोग cos 30 की वैल्यू जानते हो? सर हाँ, रूट 3/2। सर पुट करके देखो, जैसे तुम पुट करते आता आंसर 2f अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कटता, और देखो यही आंसर f रूट 3 वहां से भी निकल के आता, साथ में डायरेक्शन भी पता चल गई एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये फोर्स लग रहा होगा। तो a पे b और c की वजह से जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। हो सकता है अगर क्वेश्चन बेटा तुमको समझ नहीं आया, थोड़ा सा बैक करो वीडियो, फिर से देखो, चीजें बहुत आसान है। मैं एक बार फिर रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहली बात ध्यान रखना, मैं जब भी कूलम का कोई भी सवाल करता हूँ मैं उसमें चार्जेस के साइन के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं क्यों नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने पहले डायरेक्शन पे काम किया है। सबसे पहले मैंने ए पे बी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन पता की, साथ साथ मैग्नीट्यूड पता किया। फिर ए पर सी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी पता की, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी पता किया। अब ये सवाल कूलम लॉस की जगह वेक्टर का सवाल बन चुका है, सिर्फ दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो निकालना बचा है बच्चों। तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो बस मैंने सिंपल से कैलकुलेशन से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन पूछे तो सर हाँ, मेरे पास डायरेक्शन निकालने का भी तरीका था। रिजोल्व करके मैंने देखा कि ये वाले दोनों वेक्टर्स कैंसिल हो रहे थे और ऊपर वाले दोनों बच्चों जोड़ते चले जा रहे थे, दोनों को ऐड करके फाइनली मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, और ऐसे एक दो सवाल तुम्हें मैं होमवर्क के लिए भी देने वाला हूं। तो बच्चों मैंने दो और क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं समय होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क है, अभी मैं नहीं कराऊंगा क्लास में। क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में फिर से वही सवाल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं। बी पे प्लस क्यू है, सी पे प्लस क्यू है, पर इस बार ए पे एक नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सवाल वही है, नेट फोर्स ऑन चार्ज ए निकालना है। मैं हिंट दे देता हूं, सबसे पहले आप ए पे बी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन पता करना, ध्यान दो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। फिर उस तरीके से सी की वजह से भी ए पे पता करना। चलो मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं। इस बार ए पे बी की वजह से फोर्स इधर आएगा, सी की वजह से फोर्स इधर आएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और रिजल्टेंट निकालो, आपके पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए आ जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं होमवर्क के लिए। इस बार एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड ए के बराबर है। चारों ही कॉर्नर पे चार पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी कि क्यू मैग्नीट्यूड के चार पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। आपको फिर से ए पर मौजूद चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है।
ध्यान से समझो बच्चों, ए पर रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। सबसे पहले कैसे करोगे, इस डी की वजह से फोर्स किधर लग रहा होगा, इस बार कोई एरो एरो नहीं बना रहा, बिल्कुल परेशान नहीं, मुझे पता है गुस्सा आ रही होगी आप लोगों को, तो मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करो, मैं बिल्कुल भी अलाउ कर, बिल्कुल अलाउ करता हूँ, आप खुद करो। सबसे पहले डी की वजह से क्यूब पे किधर आएगा फोर्स, एरो बना लो। बी की वजह से किधर आएगा, एरो बना लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस ध्यान रखना। सी की वजह से किधर आएगा, एरो बना लो और दोनों के बीच डिस्टेंस ध्यान देना, लाइन पे ध्यान दो, डिस्टेंस का ध्यान रखना, इस बार डिस्टेंस ए नहीं होगी। और अब यहाँ पे तीन वेक्टर आपको मिल रहे होंगे, उन तीनों वेक्टर को सॉल्व करके आप नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो। तो देखो बेटा, आज के जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है कूलम लॉ के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि कूलम लॉ का तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, बाकी खेल तो वेक्टर का है। हमारा वेक्टर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा हम उतना इजीली कूलम के सवाल कर सकते हैं। शायद यही वजह भी है कि मैं अपने लेक्चर को आज यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ कि प्लीज आपने जहां से भी वेक्टर चैप्टर पढ़ रखा है, आप प्लीज अपने नोट्स यूज करो और एक बार वेक्टर, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर और वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करके आओ, ताकि अगले लेक्चर में जब हम लोग कूलम लॉ के बहुत सारे सवाल, क्योंकि पूरा लेक्चर अगला सिर्फ कूलम लॉ की प्रैक्टिस होगी, सिर्फ प्रैक्टिस होगी, कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। इन दोनों सवालों को प्लीज जरूर सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करना, नोट्स बनाना नहीं भूलना, अपना ध्यान रखना नहीं भूलना, अपने घर वालों का ध्यान रखना नहीं भूलना, और सबसे जरूरी है अपने भविष्य का, अपने फ्यूचर का ध्यान रखना मत भूलना। मेहनत करो, आगे बढ़ो और मजबूर करो हम सबको कि हम भी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते जाएं। मुझे लगता है आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद।